नमस्कार स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज का क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन 14 बोल रहा है, लेट एस बी द सम, पी द प्रोडक्ट एंड आर सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स ऑफ जी पी, देन प्रूव दैट पी स्क्वायर आर की पावर एन इज इक्वल टू एस की पावर एन। एक जी पी है, बोल रहा है एक जी पी है जिसमें एन टर्म्स हैं। एक जीपी है जिसमें कितने टर्म्स हैं? एन टर्म्स है। समझते रहना, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। पहले क्वेश्चन से यह पता लग रहा है एक जीपी है जिसमें एन टर्म्स हैं। तो पहली टर्म जीपी की क्या होती है? ए, दूसरी ए आर, तीसरी ए आर स्क्वायर, देन ए आर क्यूब, और लास्ट टर्म क्या होती है? ए आर पावर एन माइनस वन। ये क्या है? एक मैंने जीपी बना ली, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रही है? तो जीपी बना ली मैंने यहां से, और उस जीपी में एन टर्म्स बना ली हैं। ओके, अब स्टार्टिंग से पढ़ो। कह रहा है एस बी द सम, एस क्या है? कैपिटल एस जो है वो बोल रहा है कि जो कैपिटल एस है ये जीपी के एन टर्म्स, एन टर्म्स ये थी ना, एन टर्म्स का सम है। मतलब जो एस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? ये जीपी के एन टर्म्स है, इनका सम कर दो। ए आर में प्लस करोगे क्या? ए आर स्क्वायर में प्लस करोगे क्या? ए आर क्यूब में प्लस, ऐसे ही चलते रहेगा, और लास्ट में लास्ट टर्म भी प्लस करनी पड़ेगी। कौन सी? ए आर पावर एन माइनस वन। तो ये जीपी की एन टर्म्स थी ना, एन टर्म्स का सम कर दिया है ना, सम कर दिया, देखो प्लस साइन लगा दिया है, और उसकी वैल्यू एस के बराबर दे रखी है। क्लियर है? अच्छा, इसी को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं देखना। ये गिवन है, मैं लिखता हूं दिस इज गिवन, हा दिस इक्वेशन इज गिवन, ठीक है, ये मार्क कर दिया। ओके, ये क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स है ना, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? ए ब्रैकेट वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। अरे सम ऑफ एन टर्म्स यही तो होता है, तो इसी को मैंने और डिकोड कर दिया फर्दर, इसको मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, सुन लो, आप ऐसा भी लिख सकते हो ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। आप जो मर्जी आप कैसे लिख लो, मैंने ऐसे लिख लिया है, और ये बना ली स्टूडेंट्स मैंने इक्वेशन नंबर वन, है ना। इस पार्ट से ये इक्वेशन नंबर वन बन गई। ओके, अब इसको पढ़ते हैं। कह रहा है पी क्या है? पी इज द प्रोडक्ट, इसको पढ़ो, पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। जो जीपी की एन टर्म्स शुरुआत में मैंने लिखी हैं, है ना, ये एन टर्म्स ही तो है। पी जो कह रहा है इन टर्म्स का प्रोडक्ट है। अगर इन टर्म्स का हम प्रोडक्ट करें, मतलब पहली टर्म ए को मल्टीप्लाई करें सेकेंड टर्म से, मतलब ए आर से को मल्टीप्लाई करें थर्ड टर्म से, मतलब ए आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें फोर्थ टर्म से, मतलब ए आर क्यूब से, ऐसे ही जब मल्टीप्लाई करते जाएं, और लास्ट में nth टर्म भी मल्टीप्लाई कर दें जो कि ए आर पावर एन माइनस वन है, इन सब को मल्टीप्लाई अगर कर दो तो स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू क्या है? पी, पी है, प्रोडक्ट है ना, उसकी वैल्यू पी गिवन है। और क्लियर? तो हम लिखेंगे भैया ये भी क्या है, दिस सिचुएशन इज ऑल्सो गिवन, ये भी गिवन है, तो उसमें गिवन लिख दिया, इक्वेशन नहीं है ये, गिवन लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते देखते कहां तक सॉल्व होती है, उसके बाद हम इक्वेशन बनाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, जितने भी ए है उनको कलेक्ट कर रहा हूं, सेम बरादरी वाले नंबर्स को कलेक्ट कर रहे हैं हम, सेम बरादरी, ए को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले ए से, को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड टर्म के ए से, को मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ टर्म के ए से, लास्ट में ए को मल्टीप्लाई करेंगे nth टर्म के ए से, ठीक है। इस सेम बरादरी वाले मैंने ए एक साथ लिख दिए। अच्छा, अब एक दूसरी बरादरी भी है इसी में, दूसरी सिविलाइजेशन भी है, कौन सी? आर वाली। तो ये वाला आर को मल्टीप्लाई, सब मल्टीप्लाई में चल रहा है इसलिए सब मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, ठीक है। को मल्टीप्लाई करा आर स्क्वायर से, को मल्टीप्लाई करा आर क्यूब से, सो ऑन, लास्ट में आर की पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो कलेक्ट कर लिए मैंने, है ना, ए की सिविलाइजेशन अलग कलेक्ट कर ली, और आर की सिविलाइजेशन अलग कलेक्ट कर ली, और सबको मल्टीप्लाई में मैंने लिख दिया है, क्योंकि पूरी की पूरी जो इक्वेशन थी, पूरी का पूरा जो गिवन रिजल्ट था, वो सब मल्टीप्लाई में था, इसलिए मल्टीप्लाई में मैंने इकट्ठा कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, ये देखो, अब जैसे अब सुनना, ए कितने टर्म्स तक है यार, ये ए कितने टर्म्स तक है, लास्ट में भी ए आ रहा है, ये कितने टर्म्स तक है, ये nth टर्म तक है, है ना, तो एन ए है, कितने ए है, ये कितने ए है, एन ए है ना। जैसे मान लो अगर मैं कहता ये कितने हैं, आप कहते सर टू ए हैं, मैं कहता आप कितने ए हैं, आप कहते थ्री ए हैं, मैं कहता कितने ए हैं, फोर ए हैं, तो लास्ट में आखिरी में भी ए कौन सा होगा, एन ए होगा, तो कितने हो गए ये एन ए हो गए। तो अगर सुनो यहाँ पे, अगर दो
टू होते हैं, तो आंसर क्या आएगा, टू का स्क्वायर। अगर टू इंटू टू इंटू टू होता तो आंसर क्या आता, टू की पावर थ्री। ऐसे ही ए अगर थ्री होते तो आंसर क्या आता, ए का क्यूब। और अब बताओ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए कितने हैं, एन हैं। कितने ए हैं, अरे एन टर्म्स तक ए हैं, आखिरी टर्म्स तक ए हैं, तो क्या आएगा, ए की पावर एन आएगा। ठीक है, तो ये कितने ए हैं स्टूडेंट्स, ये nth टर्म तक ए चल रहे हैं, आखिरी पता नहीं कौन सी टर्म है, सौवीं टर्म, 200th टर्म है ना, 50th टर्म, 1000th टर्म तक ए चल रहे हैं, तो कितने हो गए बताओ, ए की पावर एन। ठीक है, ये सबको कलेक्ट करके ए की पावर एन बना। अच्छा, इनटू इनटू चल रहा है। अब यहाँ देखना, फिलहाल ये आर है तो मैं ऐसा लिखता हूँ, आर की पावर वन। तो यहाँ पे देखो सबका बेस एक आर है, कॉमन बेस क्या है, आर है, तो कॉमन बेस आर है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अगर बेस सेम रहता है सारी टर्म्स में, और वो टर्म्स शर्त क्या है, सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में होनी चाहिए। देखो सारी टर्म्स क्या है, मल्टीप्लाई में, यहाँ भी बहुत सारी टर्म्स होंगी सब मल्टीप्लाई में, तो जो उनकी पावर है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो बेस तो कॉमन आ गया, कॉमन बेस है तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर वन प्लस टू प्लस थ्री है ना, कहाँ तक ऐड होगी, एन माइनस वन टर्म्स है ना, ये सारी की सारी पावर ऐड कर दी। अच्छा अब सुनते रहना यार, ये क्या है, इसको समझते हैं हम, ये क्या है पावर में, यार ये एपी है, ध्यान से देखो ये एपी है, ये एक एपी है, और इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है पता है, एन नहीं है, एन माइनस वन है। देखो लास्ट टर्म क्या है, एन माइनस वन, ये एक ऐसी एपी है जिसमें कितनी टर्म्स है टोटल, एन माइनस वन टर्म्स हैं। ठीक है, और आप चेक कर लो एपी क्यों है, देखो कॉमन डिफरेंस निकाल लो यार, वन ही आएगा है ना, तो कॉमन डिफरेंस इसका वन है, और फर्स्ट टर्म ए क्या है, वन है, और बीच में सब जगह प्लस आ रहा है, तो मैं क्या, ये जो सीरीज बनी है ये क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, सम आ रहा है ना, एपी की बहुत सारी टर्म्स है उनका सम करना है, कितनी टर्म्स का सम करना है, एस एन माइनस वन का है ना, एस एन माइनस वन का टर्म का सम करना है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय टू होता है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे, लेकिन एन की वैल्यू क्या है, एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, एन माइनस वन, तो एन माइनस वन बाय टू, फिर टू ए होता है, टू इंटू ए, ए की वैल्यू वन होती है, प्लस एन माइनस वन होता है ना, और एन क्या है, एन माइनस वन है, माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इस रिजल्ट को समझो यार, फॉर्मूला होता था एन माइनस वन, लेकिन यहाँ एन क्या है, एन माइनस वन है, और ये फॉर्मूले का साइन है माइनस वन वाला है ना, ये माइनस वन फॉर्मूले वाला है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन की वैल्यू क्या है, एन माइनस वन है, तो इसको सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा, देख लो एस एन की वैल्यू क्या आएगी, एन माइनस वन बाई टू, टू इंटू वन टू ही होता है, टू इंटू वन टू होता है, प्लस प्लस एन माइनस वन माइनस वन माइनस टू, क्लियर है, ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट, देखो अंदर सॉल्व करो, अंदर मल्टीप्लाई करो, टू से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, एन माइनस वन बाय टू को, प्लस एन माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, एन माइनस टू को, और बाय टू चल रहा है, देख लो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सुनो टू से टू कैंसिल हो गया, ठीक है, तो एस एन इज इक्वल्स टू, अब एन माइनस वन यहाँ बचा अपॉन वन, एन माइनस वन यहाँ बचा, एन माइनस टू बाय टू, तो एस एन की वैल्यू क्या आ गई, मैं आपको खाली समझा रहा हूँ ये है ना, हालांकि आप मैं डायरेक्ट भी लिख सकता, लेकिन मैंने आपको समझाया इसकी वैल्यू क्या आती है वो देखते हैं। देखो एन माइनस वन को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा वन प्लस एन माइनस टू बाय टू, ठीक है, एलसीएम ले लो स्टूडेंट्स, एलसीएम क्या आएगा, टू एलसीएम आ गया, तो टू प्लस एन माइनस टू, देख लो प्लस टू माइनस टू कैंसिल आउट हो गया, एस एन की वैल्यू क्या आ गई, एन एन माइनस वन बाय टू, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला एन इंटू एन माइनस वन बाय टू होता है, कैसे आया वो मैंने निकाल दिया, आपको ये याद होना चाहिए। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, फिर ए की पावर एन तो ऐसी रखा, आर भी ऐसी रखा, ये क्या है सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स ऑफ एन एपी है ना, तो क्या आया एन एन माइनस वन बाय टू आया, सब स्टूडेंट्स पावर में है, ध्यान रहे पावर में है, तो ये सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको मैं फिलहाल के लिए स्टूडेंट्स इसको मैं फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर टू बना लेता हूँ, क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर टू हो गई, मैं इसको रब कर रहा हूँ। कैसे सम का फॉर्मूला, एन माइनस वन टर्म्स का सम का फॉर्मूला ये आया वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया आपको,
बढ़ते हैं आगे। अब अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, कब होगा? अब ये पढ़ो, देखो प्रोडक्ट निकाल दिया, अब फाइनल क्या, आर क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स, रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी की टर्म्स, एन टर्म्स की जीपी, ये है, इनका पहले रेसिप्रोकल करते हैं। ए का रेसिप्रोकल 1 बाय ए, सुनते रहना, ए आर का रेसिप्रोकल 1 बाय आर, ए आर स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1 बाय ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब का रेसिप्रोकल 1 अपॉन ए आर क्यूब, ऐसे ही ए आर पावर एन माइनस 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन ए आर एन माइनस 1। कह रहा है जीपी का, जीपी की एन टर्म्स का रेसिप्रोकल करके अगर उनका सम कर दिया जाए, अगर उनको ऐड कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स, ये बोल रहा है आर है, उसकी वैल्यू आर है, आप देख लो, रीड करो, है ना, जो जीपी है उसका रेसिप्रोकल करके सम करके जो भी आंसर आ रहा है वो कैपिटल आर है, एंड दिस सिचुएशन इज ऑल्सो गिवन, है ना, ये भी, ये वाली सिचुएशन जो बनाई हमने ये भी गिवन है। अब इसको भी थोड़ा सॉल्व करते हैं, थोड़ा क्या सॉल्व करते हैं, अब आप देखो ना ध्यान से स्टूडेंट्स, ये एक जीपी है स्टूडेंट्स, जो ये रिजल्ट बन गया ना, ये एक जीपी है, कैसे कैसे जीपी है यार, सेकेंड टर्म को अगर हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या आता, देखो ए ऊपर जाएगा और 1 ए आर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आया, देखो 1 बाय आर आया, ठीक है, अब देखते हैं जीपी क्यों है। अब मैं अगर ये थर्ड टर्म को भी सेकंड टर्म से डिवाइड करूं, यही आए, इसको इससे डिवाइड करूं, यही आए, तो क्या होगा, जीपी होगी नहीं होगी, तो मैं एक रेंडमली कोई भी टर्म ले रहा हूं, मैं इसको ले रहा हूं, देखो थर्ड टर्म जो कि क्या है, ए आर स्क्वायर है, मैं से अगर सेकेंड टर्म 1 अपॉन ए आर को डिवाइड करता हूं तो देखते हैं क्या आता है। हाँ, ए आर ऊपर गया है ना, ये ऊपर चले गया और 1 से मल्टीप्लाई होगा ए आर स्क्वायर, तो ए से कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, देखो 1 अपॉन आर, तो इससे ये पता चल गया ये क्या है, जीपी है ना, मैंने खाली आपको शो करना था, वो मैंने शो कर दिया है, और कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, 1 अपॉन आर आ रहा है, ठीक है, तो आपको ये तो पता चल गया भैया एक जीपी है ना, ये क्या है, एक जीपी है, इट इज अ जीपी, ये आपको लिख लेना है यहाँ पे, जीपी है, और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है बताओ, 1 बाय ए है, ठीक है ना, और इसका जो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 1 बाय आर, अभी निकाला था 1 बाय आर डिवाइड करके, ओके, और इसकी जो nth टर्म है वो ये पता है आपको, nth टर्म है ना, nth टर्म भी लिख लेते हैं, क्या है बताओ, 1 अपॉन ए की पावर ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 है, ओके, ठीक है, तो देखो जो भी ये जीपी है, जीपी में सारी टर्म्स ऐड हो रही ना, जीपी में सारी टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो ये सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी हो गया, है ना, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी हो गया, तो आर इक्वल्स टू, तो इसमें मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का, क्योंकि देखो सम ऑफ एन टर्म्स ही तो है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए, सुनते रहना, पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर होता है, ये खाली समझाने के लिए स्टूडेंट्स, ये आपने लिखना नहीं है, है ना, ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए है, तो देखो क्यों समझाया मैंने आपको यार, ए क्या है, फर्स्ट टर्म होती है ना, और फर्स्ट टर्म कितनी आई है देख लो, ये है ए की जगह 1 बाय ए, ठीक है, ब्रैकेट 1 माइनस आर, आर कॉमन रेशियो, आर की वैल्यू क्या है, 1 बाय आर है, और नंबर ऑफ टर्म्स तो एन ही है ना, नंबर ऑफ टर्म्स तो स्टूडेंट्स एन है, ओके, अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या है, 1 बाय आर है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर है, तो ये इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो डायरेक्ट, वरना इसको भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट इसको लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, वरना समझ में नहीं आएगा ना कि यार ए ये कैसे हो गया, आर ये कैसे हो गया, इसीलिए, ओके, तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, है ना, ये आर की वैल्यू सॉल्व करते हैं, तो देखो 1 बाय ए ऐसे ही रखा, 1 माइनस, देखो 1 की पावर एन क्या होता है, क्योंकि देखो 1 की पावर एन और आर की पावर एन, एन दोनों के लिए है ना, तो 1 की पावर एन, 1 की पावर एन कुछ भी हो तो 1 ही आएगा आंसर, अपॉन आर की पावर एन, ठीक है, क्लियर है, ओके, अब यहाँ देखो अपॉन 1 करके मैं एलसीएम लूंगा फर्दर बाद में, फिलहाल ये वाला साइन मैंने अपॉन का ये लगाया, अब यहाँ अपॉन 1 करके मैं एलसीएम लेता हूँ, आर एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आएगा, आर माइनस 1, क्लियर है स्टूडेंट्स, ओके, तो फर्दर अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू 1 बाय ए ऐसे रखा, यहाँ एलसीएम ले लो न्यूमरेटर पार्ट में, एलसीएम क्या आएगा, आर की पावर एन, ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर की पावर एन माइनस 1, देखो एलसीएम ले रहे हैं और कुछ नहीं, एलसीएम तो लेना आता होगा, अपॉन, सुनते रहना, आर माइनस 1 अपॉन आर है स्टूडेंट्स,
क्लियर है, ये आर की वैल्यू आई है, इसको और सॉल्व करते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना नोट करा होगा, अब मुझे ज़्यादा जरूरत है इक्वेशन वन और इक्वेशन टू और बाद में जो इक्वेशन थ्री बनाऊंगा उसकी। हाँ, तो बाकी पार्ट मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी पार्ट मैं रब कर रहा हूँ, आप नोट कर लेना क्योंकि जगह कम है स्टूडेंट्स, इसलिए मैं रब करना पड़ेगा यार मुझे, ठीक है। ये भी कुछ काम करें, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू काम किया। देखो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो आर की वैल्यू क्या आएगी देखते रहना, वन बाय ए ऐसी रखा है स्टूडेंट्स, तो लास्ट वाली टर्म मल्टीप्लाई होने के लिए कहाँ जाती है, फर्स्ट की ओर को जाती है ना, तो देखते रहना, ब्रैकेट लगा दिया, आर की पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई होने के लिए लास्ट वाली टर्म क्या है, आर, ये गई, ठीक है, और अपॉन में, इसके अपॉन में क्या चला था, आर की पावर एन, तो सेकेंड लास्ट टर्म सेकेंड टर्म के पास जाती है मल्टीप्लाई होने के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगी, आर माइनस वन, क्लियर है, ये इस टाइप से कर दिया, देख लो इस टाइप से ये कर दिया है, ठीक है, चाहो तो आप इसको भी ब्रैकेट में रख सकते हो, ऐसा नहीं है, ये आर इक्वल्स टू वन बाय ए ब्रैकेट, ये पूरा बिल्कुल ऐसे ही रख रहा हूँ मैं, देखना ध्यान से, आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर की पावर एन, ठीक है, देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आर है, ये वाला आर है फिलहाल, इसकी पावर वन है ना, इसको मैं अगर डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा, इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो ये आर की पावर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या बचेगा मेरे पास डिनोमिनेटर में, ये तो चले गई ना, और इनटू में क्या चल रहा है, आर माइनस वन चली रहा है, आप देख लो स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ कर दिया मैंने, एक साथ एक ब्रैकेट में लिख दिया, आर की पावर प्लस वन नीचे लेके गए, आर की पावर माइनस वन बन गई, और आर माइनस वन एज इट इज चल रहा है, तो यहाँ से देखो आर की वैल्यू क्या आई, वन अपॉन ए ब्रैकेट आर की पावर एन माइनस वन, तो बेसिस सेम पावर ऐड हो जाती है, तो बेस सेम, कॉमन बेस आर हो गया, पावर ऐड कर दो, एन में माइनस वन को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, एन माइनस वन, और यहाँ पे क्या चल रहा है, आर की पावर आर माइनस वन चल ही रहा है, ये क्लियर है, बस ये मेरे पास आ गई स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर थ्री, ये इक्वेशन नंबर थ्री आ गई है स्टूडेंट्स। अब क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर थ्री आ गई है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, अब हमें जो नहीं चाहिए है उसको हटा रहे हैं, ठीक है, तो इक्वेशन अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, देखो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, बोल रहा है पी स्क्वायर आर की पावर एन, है ना, इसको सॉल्व करते हैं, देखो पी स्क्वायर, पी की वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर टू से, पी की वैल्यू है ए की पावर एन इंटू आर की पावर एन माइनस वन बाय टू, देख लो ये पी की वैल्यू रखी मैंने, लेकिन पी पे स्क्वायर है तो ये पी की वैल्यू है तो इस पे स्क्वायर करना पड़ेगा, इंटू आर, आर इक्वेशन नंबर थ्री से क्या है बताना, इक्वेशन नंबर थ्री से जो आर है उसकी वैल्यू है वन बाय ए देन ब्रैकेट आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ये पावर में है पूरा, ये यहाँ पावर में खाली एन है, माइनस वन बेस में है, ठीक है, नीचे है मतलब, ब्रैकेट में आर माइनस वन, क्लियर है, लेकिन आर में क्या है, आर के होल पावर क्या है, एन है, तो यहाँ तक आर चल रहा था ना, कहाँ तक आर है, यहाँ से स्टार्ट है, देखो वन बाय ए से स्टार्ट है, तो ये पावर मैंने क्या लगा दिया, एन लगा दिया, अब पूरा एन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ टू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो टू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक ही पावर एन से, क्या हो जाएगा टू, एक ही पावर टू एन हो गया, और इन टू में ये टू यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, देखना एन इन टू एन माइनस वन से भी क्या मल्टीप्लाई होगा, टू मल्टीप्लाई कर दिया, देखो है ना, और अपॉन में ये वाला टू चल रहा है डिनोमिनेटर वाला, तो ये टू से ये टू कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, इन टू में देखो यहाँ भी एन वन से मल्टीप्लाई होगा, मतलब एन की एक वन की पावर एन क्या होता है, वन ही होता है, अपॉन ए जो होगा एन से मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर एन, क्योंकि पावर में मल्टी, देखो ये पावर में है ना, तो ये पावर ही में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये याद रखना, ओके, फिर ब्रैकेट तो आर माइनस वन की पावर एन हो जाएगा, पावर से पावर में मल्टीप्लाई होगा, ये याद रखना, ऐसे ही यहाँ पे आर की पावर एन माइनस वन था तो इससे पावर ही मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे आर माइनस वन की पावर एन, तो एन को भी सब जगह मल्टीप्लाई कर दिया और टू को भी सब जगह मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है,
अब इक्वेशन टू की जरूरत भी नहीं है, बस इक्वेशन वन की जरूरत रहेगी। सॉल्व करते हैं यार, सॉल्व करते हैं। देखो ए की पावर 2n है, तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, ए की पावर n इंटू ए की पावर n। देखो बेसिस सेम पावर ऐड करोगे तो क्या आएगा, n प्लस n क्या आएगा, 2n आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, r की पावर n ब्रैकेट n माइनस वन, देख लो r की पावर n ब्रैकेट n माइनस वन, क्योंकि 2 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा यहाँ क्या बचा, मल्टीप्लाई में ही है, हाँ मल्टीप्लाई में ही है स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब चीज़ अगर मल्टीप्लाई में होती है ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में लगता है। तो फिलहाल ए की पावर n ऐसे ही इंटू आर की पावर n माइनस वन की होल पावर n अपॉन में आर की पावर n n माइनस वन, अरे यार n को आगे लिख दिया है ना, इंटू में आर की पावर सॉरी आर माइनस वन की पावर n, ठीक है। अब देखो बहुत सारी चीज़ें कट रही हैं, ए की पावर n से ए की पावर n कैंसिल आउट हो गया, आर की पावर n माइनस वन से आर की पावर n माइनस वन कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा, देखो ए की पावर n यहाँ और यहाँ क्या बचा, r की पावर n माइनस वन की होल पावर n अपॉन यहाँ क्या बचा, केवल r माइनस वन की होल पावर n, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करने वाले हैं, देखो ध्यान से देखना, मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ, मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ पता लगेगा, ए की पावर n ऐसी रखा तो माइनस साइन कॉमन लेने से क्या हुआ, माइनस वन प्लस का वन बन गया, और r की पावर n जो प्लस का था ये क्या बन गया, माइनस का बन गया, ठीक है। नीचे से भी माइनस साइन कॉमन लिया तो प्लस जो माइनस वन था ये प्लस का बन गया, और आर जो प्लस का था ये माइनस का बन गया, ठीक है ना। ये तो काम करता माइनस साइन, प्लस वाले को माइनस बना देता, माइनस वाले को प्लस बना देता, क्यों करा, क्योंकि ताकि ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाए और मेरे को आंसर चाहिए वन माइनस आर की पावर एन में ही चाहिए। देखो ध्यान से देखो अब मेरे पास अब रिजल्ट क्या आया, अब रिजल्ट क्या आने वाला देखो, अच्छा इसकी पावर एन नहीं लगाई है मैंने, मैं ये पावर में से देखो न्यूमिनेटर, देखो न्यूमिनेटर में पावर में दोनों में एन चल रहा है ना, तो मैं होल पावर ऐसा कर दूँ ए ब्रैकेट वन माइनस आर की पावर एन की होल पावर एन। देखो तो ध्यान से, अरे पावर एन कॉमन ले ली मैंने यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है, दोनों ओर से मैंने पावर एन कॉमन ले लिया है, ये और ये, सब दिख रहा नहीं दिख रहा, बढ़वा रहा है हाँ। अपॉन में भी यार देखो, अपॉन में भी क्या करा मैंने, वन माइनस आर की पावर एन एज इट इज चल रहा है, ठीक है। अब फाइनल रिजल्ट देखो, अब देखो इसकी होल पावर एन है, यहाँ डिनोमिनेटर की होल पावर एन है, तो मैं ऐसा लिखता हूँ ए ब्रैकेट वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर की होल पावर एन कर दिया, क्योंकि ये जो पावर एन है ये इसके साथ भी न्यूमरेटर टर्म के साथ भी है, डिनोमिनेटर के साथ भी है ना, होल पावर में कर दिया मैंने। अब ऐसा क्यों कर दिया यार, यही तो मेरे पास राइट हैंड साइड है, देखो इसकी वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर वन से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन चेक करो, ये क्या है एस है, इसकी वैल्यू क्या है एस है, लेकिन होल पावर में एन चल रहा है तो एस की पावर एन हो गया, ठीक है। ये तो प्रूफ करना था है ना, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी और एस की पावर एन बना लिया, इक्वेशन नंबर वन का यूज है ना, यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन वन, इक्वेशन नंबर वन का यूज करा, इक्वेशन वन से ये एस हो गया लेकिन पावर में एन चल रही थी तो पावर में एन कर दी, और यही क्या आ गई मेरी, यही राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स, यही तो प्रूफ करना था लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को इक्वल, तो ये हो चुका आपका क्वेश्चन नंबर 14।